नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS एकेडमी में। और पॉलिटी वाली जो मैगज़ीन हमारी कवर हो रही थी उसमें हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं, तो हम लोगों ने अभी तक पहला, दूसरा, तीसरा करके जो एक तरीके से एक एक पार्ट में मैंने आपको डिवाइड किया, हम लोगों ने पिछला जो किया था वो किया था महत्वपूर्ण विधान एवं विधेयक। और अगला जो हमारा है, दो टॉपिक बचे हैं, एक आपका बचा है संवैधानिक ये भी जो बॉडीज़ हैं करंट अफेयर में चर्चा में रही, और दूसरा है गवर्नेंस। तो आज हम लोग ये अपना 7वां चैप्टर कवर कर लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8वां भी कवर कर लेंगे, इससे आपकी पूरी जो है मैगज़ीन कवर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आज अपने 7वें चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा जो 7वां है, सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी जो भी निकाय हैं, तो इसका जो सबसे पहला सब टॉपिक है वो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी कि जो आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDA जिसको बोला जाता है, इसको सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किए हैं, तो किस तरीके के बदलाव हुए हैं इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो संशोधन नियमों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि नामांकन की तारीख से 10 वर्ष पूरे होने पर आधार धारक सहायक दस्तावेजों को कम से कम एक बार अपडेट करेंगे। वही है बेसिकली कि आपके जो डॉक्यूमेंट लगते हैं आधार कार्ड बनवाने में, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको, जो आपका आधार कार्ड जब बनवाया था तो उसके 10 वर्ष पूरे होने पर जो है आपको अपडेट करने पड़ेंगे वो डॉक्यूमेंट। तो ये यहाँ पर बदलाव हुआ है, बस बेसिकली यहीं पर इतने ही न्यूज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप UIDA के बारे में अगर आप जानना चाहें तो थोड़ा इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी स्थापना, तो देखें तो आधार अधिनियम जो 2016 के प्रावधानों के तहत की गई, यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जो है आता है, और इस और ये कैसा है, एक सांविधिक प्राधिकरण है। उद्देश्य की बात करें तो भारत के प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट और सुरक्षित पहचान प्रदान करना, सरकारी सेवाओं के लिए सत्यापन के संबंध में एक विश्वसनीय और कुशल माध्यम प्रदान करना, डुप्लीकेट और फर्जी पहचानों को समाप्त करना, ये उसके उद्देश्य हैं UIDAI के। अगला हम लोगों का जो टॉपिक है वो है केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये चर्चा में क्यों रहा है देखते हैं। तो हाल ही में सूचना के अधिकार यानी कि जो RTI आपका एक्ट है के तहत की गई अपीलों के निपटान में लगातार वृद्धि हुई है, मतलब कि मामले जो हैं वो जल्दी से निपट रहे हैं। तो इसके कारण केंद्रीय सूचना आयोग के पास लंबित RTI मामलों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है या फिर की गई है, तो ये अच्छा संकेत है कि जल्दी से अपीलों का निपटान हो रहा है। तो बस यहाँ पे देखिए इतनी ही न्यूज़ थी आपके करंट अफेयर के स्टेटिंग में। अगर हम लोग देखें तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में थोड़ा CIC के बारे में अगर जान लेंगे तो ठीक रहेगा। तो गठन की बात करें तो इसका गठन जो है RTI अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2005 में किया गया था। सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारी इसके जो है अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसकी नियुक्ति की बात करें तो यह नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के बाद की जाती है। समिति में कौन कौन शामिल होता है, तो इसमें प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होता है, और यह एक सांविधिक निकाय है। कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष या फिर अधिकतम 65 वर्ष की आयु होने पर इसमें जो है कार्यकाल दिया हुआ है। संरचना की बात करें तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त CIC और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त शामिल होते हैं। CIC पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि इसका पुनर्निर्वाचन नहीं हो सकता। कार्य की बात करें तो समन जारी करने, दस्तावेजों के प्रकटीकरण आदि के संबंध में सिविल न्यायालयों के समान इसको शक्तियाँ होती हैं। इसे RTI अधिनियम जो 2005 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गई सूचना से संबंधित शिकायतों की जाँच करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये कुछ CIC के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगली जो है हमारी चर्चा होगी भारत की जांच एजेंसियों, तो इसमें कौन कौन सी शामिल हैं और ये चर्चा में क्यों रही हैं इसको देखते हैं सबसे पहले। तो हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI, प्रवर्तन निदेशालय ED और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO जैसी विभिन्न जांच एजेंसियों को एक छत के नीचे लाने के लिए स्वतंत्र अम्ब्रेला संस्थान के गठन का सुझाव दिया है। तो इनको क्या है कि एकीकृत छत के नीचे लाने के लिए जो है गठन का सुझाव दिया है, कि स्वतंत्र अम्ब्रेला संस्थान के गठन का सुझाव दिया है। तो बस यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन थी। और जांच एजेंसियों की बात करें तो भारत में जो जांच एजेंसियों चर्चा में रही हैं अभी इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है सबसे पहले CBI की चर्चा करेंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना कैसे होती है, स्थापना हुई थी 1963 में कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना हुई थी।
और यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना DSPE अधिनियम 1946 के द्वारा शासित होती है। इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार के रोकथाम पर संथानम समिति जो गठित हुई थी 1962 से 1964 के बीच में, तो संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर इसका गठन किया गया था। और ये कि जांच एजेंसी है, संरचना अगर इसकी देखें तो CBI का डायरेक्टर इसका प्रमुख होता है। CBI के डायरेक्टर की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में जो विपक्षी दल के नेता और CGI से मिलकर 3 सदस्यीय जो समिति बनती है तो उसके द्वारा ये की जाती है। कार्यकाल की बात करें तो 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन 3 वार्षिक विस्तार इसको दिया जा सकता है मैक्सिमम। कार्य की बात अगर करें तो गहन जांच और अभियोजन के जरिए सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से निपटना तथा आर्थिक एवं हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाना इसका कार्य है, और साइबर एवं एडवांस प्रौद्योगिकी से संबंधित अपराधों की रोकथाम में सहयोग करना, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC और लोकपाल को जो है सहायता प्रदान करना। यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी है जो इंटरपोल के सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय भी करती है। तो ये रही कुछ CBI के बारे में जानकारी। अब हम लोग प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1952 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन की गई थी। संरचना देखें तो ED डायरेक्टर इसका प्रमुख होता है, और ये किस तरीके विशेषीकृत वित्तीय जाँच एजेंसी है, किसकी है, वित्तीय वित्त को लेकर जो है ये जाँच करती है। कार्यकाल की बात करें तो 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन 3 वार्षिक विस्तार इसमें भी दिया जा सकता है। कार्य तो यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी कि फेमा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम FEO 2018 और धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये रही ED के बारे में जानकारी। अब जो हमारी जो CGI ने जिनको एकीकृत करने के लिए देखी, जो भी एजेंसी गई, तो उन एजेंसियों के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कौन सी क्या न्यूज़ में जो चल रही है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा जान लेना चाहिए। अगली है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म SFIU बोलते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन। तो यह सामाजिक निकाय है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। संरचना की बात करें तो SFIU का डायरेक्टर इसका प्रमुख होता है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और फॉरेंसिक ऑडिटर और कानूनी मामले जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होते हैं। कार्य की अगर बात की जाए तो शक्तियां एवं कार्य, तो कंपनी कानून उल्लंघन करने वाले आरोपी लोगों को गिरफ्तार करने की इसके पास शक्ति होती है। नीतियों और कानूनों के निर्माण में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को सहायता भी ये प्रदान करता है। तो अगली हमारी जो एजेंसी एक लास्ट बची हुई है वो है राष्ट्रीय जाँच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जिसको बोला जाता है। स्थापना की बात करें तो 2008 में गृह मंत्रालय के तहत की गई। संरचना में देखें तो इसका प्रमुख एक महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल होता है, जिसे भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में इसको जाना जाता है। कार्य की बात करें तो इसे देश भर में आतंकी गतिविधियों के मामले में स्वतः संज्ञान लेने के आधार पर इस जांच करने की शक्ति होती है, क्योंकि यहाँ पे एक जो टर्म है स्वतः संज्ञान लेकर भी ये जांच कर सकती है। मानव तस्करी, जाली मुद्रा, बैंक नोटों से संबंधित उपायों, प्रतिबंधित हथियारों के विनिर्माण या फिर बिक्री, साइबर आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत अपराधों के मामलों की जांच करता है। भारत में अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तकनीकी और परिचालन संबंधी सहायता भी ये प्रदान करता है। आगे जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ रही हैं, तो और भी जो भी एजेंसियाँ रही हैं इनको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले CBC की बात करेंगे, तो CBC में अभी क्या चेंजेस हुए हैं, तो हुआ क्या है कि हाल ही में जो सुरेश पटेल ने CVC के रूप में कार्यभार संभाला है, तो इसके जो हेड हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब कौन हो चुके हैं, सुरेश पटेल जी। तो CBC के बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो इसकी स्थापना की बात करें तो भ्रष्टाचार के रोकथाम पर संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर 1964 में इसका गठन हुआ था। नियुक्ति इसके कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, गृह मंत्री इसके सदस्य और लोकसभा में विपक्ष के नेता मिलकर इस समिति की सिफारिश पर जो है इनका जो है सिफारिश पर चुने जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो ये एक सांविधिक निकाय के रूप में जाना जाता है।
आगे कार्यकाल की बात करें तो इसके जो सदस्य होते हैं वो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब बने रहते हैं। संरचना की बात करें तो CBC में एक अध्यक्ष और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त यानी कि BEC सदस्य के रूप में होते हैं। तो इसमें टोटल 3 कैंडिडेट होते हैं। कार्य क्या होता है कि सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना इसका कार्य होता है। तो अगली जो हमारी संस्था है वो है भारतीय प्रेस परिषद। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जो हैं वो PCI की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहली बार इस पे महिला अध्यक्ष कोई बनी है। तो भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना की बात करें तो PCI अधिनियम 1978 के तहत हुई थी। वैधानिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण इसको बोला जाता है। इसका कार्यकाल जो होता है सदस्यों का तो इनका होता है 3 वर्ष का। संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष 28 सदस्य शामिल होते हैं। परंपरागत रूप से सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बनता आ रहा है। तो ये एक परंपरा चली आ रही है। अध्यक्ष का चयन जो है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और PCI द्वारा चुने गए एक सदस्य के द्वारा किया जाता है। संसद से जो है 5 सदस्य, 3 लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नामित और 2 राज्यसभा के सभापति के द्वारा नामित होते हैं। कार्य की बात करें तो प्रेस का प्रहरी है, प्रेस के लिए और प्रेस के द्वारा नैतिकता और प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए क्रमशः प्रेस के खिलाफ और उसके शिकायतों का न्याय निर्णय करना इसका कार्य होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो बस इतनी ही बॉडीज हमारी आज के टॉपिक में थी। अगला तो हमारा टॉपिक ही चेंज हो गया, वो है गवर्नेंस या अभिशासन के महत्वपूर्ण पहलू, इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का जो 7वां टॉपिक था, जितनी भी करंट अफेयर में या फिर न्यूज़ में आपकी जो भी संस्थाएं थी उनके बारे में बेसिकली हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन जान ली और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या होने वाले हैं उनको भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा 8वां चैप्टर होगा जो गवर्नेंस का, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।